अच्छा तो देखो आज हम आए एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम चला हुआ है अभी और लगातार कल भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, आज भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम, आज दूसरा दिन है। तो बच्चों से बात करते हैं कि कैसा रहा इनका एग्जाम और पता लगे कि आगे वाली आने वाली शिफ्टों में कैसा रहेगा एग्जाम। तो बच्चा आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि कहाँ से आए हो आप? नजफगढ़ न्यू दिल्ली। नजफगढ़ न्यू दिल्ली, क्योंकि ऐसा है कि दिल्ली में लड़कियों का सेंटर जो है वो दिल्ली में रहा है, बल्कि बाकी लड़कों का सेंटर बाहर भेज दिया गया है। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था। अच्छा जीएस कैसी आई? जीएस थोड़ी टफ थी लेकिन आती थी मतलब। अच्छा मैथ में 15 क्वेश्चंस आए थे, तो मैथ में एडवांस मैथ ज्यादा था या फिर अर्थमेटिक? दोनों ही थे, मतलब एडवांस भी और वो भी। अच्छा परसेंटेज से क्वेश्चंस आए? हाँ, जीएस में सबसे ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन आए, पॉलिटी से या फिर स्टैटिक जीके से या कहाँ से आए? स्टैटिक जीके से आए थे। स्टैटिक जीके से मंदिर वगैरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और पॉलिटी से? पॉलिटी से कम ही आए थे, पॉलिटी से तो। अच्छा पॉलिटी से कम आए, बाकी अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 88 किए, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.25 की चौथाई की, तो 88 क्वेश्चंस आपने किए, मतलब लग रहा है कि 80% सही हो जाएंगे आपके। मेबी 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अच्छा आने वाले जितने भी कल बच्चों का एग्जाम है उसके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या सबसे ज़्यादा पढ़ के जाए? वैसे तो मेन तो जीएस ही पढ़ के जाए, क्योंकि रीजनिंग तो इतनी टफ थी नहीं। अच्छा, अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान से करे तो टफ नहीं थी। कंप्यूटर के लिए एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड ज्यादा पढ़े, 365 वो ज्यादा आए थे। अच्छा अच्छा हाँ। देखो 365 एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, जितने भी आने वाली शिफ्टों में बच्चे जाएंगे पेपर देने के लिए, तो अंजलि ने एक ही बात कही है कि एमएस एक्सेल और 365 से पढ़ के जाना है, बाकी जीएस पर ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैथ इतना आसान आ रहा है कि लगभग सारे बच्चे बना ही लेंगे। अगर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो कर ही लेगा। हाँ। ठीक बात, तो मैथ जितना इतना आसान आ रहा है, बाकी मैथ रीजनिंग सारे अटेम्प्ट किए आपने, सारे अटेम्प्ट किए रीजनिंग में? जी। कोई भी नहीं छोड़ा? नहीं। ठीक है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका सिलेक्शन जरूर होगा और इस बार जरूर मिलने आना हमारा रैंकर्स गुरुकुल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो तो और बात करते हैं हम बाकी बच्चों से कि उनका भी एग्ज़ाम कैसा रहा, जिससे कि हम इसीलिए एनालिसिस कर रहे हैं जाके आने वाले जितने भी बच्चे हैं कल जिनका एग्ज़ाम है उनको फ़ायदा मिल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है सबसे पहले? मनीषा। आप कहाँ से आए हो? नवादा। अच्छा नवादा दिल्ली से है ना, मतलब मैं वही बात है कि दिल्ली का सेंटर दिल्ली में है गर्ल्स का। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा गया मेरा एग्जाम। अच्छा कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, नेगेटिव मार्किंग भी था 0.25, उसका ध्यान रखते हुए आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो कैसे कहेंगे, इजी टू मॉडरेट था या हार्ड था, कैसा एग्जाम था आपका? जीएस मॉडरेट था। जीएस मॉडरेट, बाकी मैथ रीजनिंग इजी थी, मैथ्स भी ठीक थी। और आपका कंप्यूटर कैसा? कंप्यूटर इजी थी। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? एमएस वर्ड से, वही एमएस वर्ड कंप्यूटर में आपको पढ़ के जाना है। और जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? जीएस में बुक्स से क्वेश्चन आए थे दो, और करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, बाकी मैथ में एडवांस मैथ ज्यादा था या अर्थमेटिक ज्यादा था? स्टैटिक ज़्यादा था, तो वही बात है कि स्टैटिक ज़्यादा था, मंदिर मस्जिद सब रट के जाने हैं आपको। सीधी सी बात है कि जितने भी आपके 10-20 टॉपिक हैं ना स्टैटिक के, वो सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। तो बाकी आपका मतलब कितने, अगर नेगेटिव मार्किंग को हटा दें तो कितने क्वेश्चन सही सही हो जाएंगे? 60 क्वेश्चन सही सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं। देखो सेफ स्कोर मैं मानता हूँ ना, अगर किसी ने 60-70 एकदम पूरी 100% श्योरिटी के साथ किए तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट होने वाली नहीं है। और बाकी का आपका कई दिन एग्जाम ये चल रहा है, तो इसमें क्या होगा आपका बाद में एनालिसिस के बाद नंबर भी बढ़ सकते हैं आपके। तो 70, अगर 60-70 के बीच में आपने किया है तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे जो आने वाली शिफ्ट में बच्चे पेपर देंगे वो क्या ज़्यादा पढ़ के जाएं? आपको भी लग रहा होगा कि मतलब मुझे ये पढ़ के आना चाहिए था, तो क्या पढ़ के ज़्यादा जाएं? पॉलिटी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आर्टिकल्स 1-51 एटलीस्ट रिवाइज कर लेने चाहिए, उसमें से क्वेश्चन आए थे। बाकी और कुछ तो मतलब आर्टिकल्स वगैरह जो पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं कि आर्टिकल समानता का आर्टिकल क्या है, पावर्टी का, ये सब पढ़ के जाने आपको, पॉलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, और हमारे चैनल का नाम आरजी स्टेट एग्जाम है, आप जरूर जाके एक बार देखें। ठीक है ओके, तो चलिए और बात करते हैं हम बाकी स्टूडेंट से कि उनका एग्जाम कैसा रहा। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका कुमारी है। अच्छा आप कहाँ से आए हो? मैं बिलोंग करती हूँ बदरपुर पहलादपुर से। अच्छा बदरपुर से बिलोंग करते हैं, तो कैसा रहा आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया सर, इसमें ना 4 सब्जेक्ट की एग्जाम थी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और कंप्यूटर की। अच्छा अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चन किए थे? मेरे सर 3 क्वेश्चन छूटे। 3 क्वेश्चन, मतलब 97 अटेम्प्ट किया आपने। अच्छा तो बहुत अच्छा रहा, मतलब आपको मैथ कैसा लगा या फिर कौन सा सब्जेक्ट सबसे आसान आया था? मुझे कंप्यूटर और जनरल नॉलेज अच्छा लगा, सबसे आसान आया था। बाकी मैथ सॉल्विंग था, सॉल्व कर लिया मैथ, लेकिन रीजनिंग थोड़ी
रीजनिंग थोड़ी टफ आई थी जी सर। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, आपने 97 अटेम्प्ट किए तो इसमें थोड़ा सा मान लो मान लेते हैं 90% तो आपके सही हो जाएंगे, थोड़ा बहुत काटेंगे भी तो नेगेटिव मार्किंग में। तो बच्चे ने 97 अटेम्प्ट किए हैं। क्या नाम बताया था आपने? मोनिका कुमारी। मोनिका, मोनिका ने कहा बहुत अच्छा पेपर गया, बाकी मैथ थोड़ा सा टफ बता रही है और रीजनिंग भी टफ है, बाकी जीएस इनका बहुत अच्छा रहा है। और बच्चों को क्या कहना चाहोगी जिनका कल एग्जाम है, क्या पढ़ के जाएं ज्यादा से ज्यादा? सर वो ज्यादातर सारा एक बार देख लें कि क्या आता है, नहीं जनरल नॉलेज से ज्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर में भी जनरल नॉलेज से ही है। जनरल नॉलेज में सबसे ज्यादा जनरल नॉलेज में किससे क्वेश्चन आए? जनरल नॉलेज में तो करंट अफेयर्स से आए हैं। करंट अफेयर्स से, तो भैया करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ के जाएं। बच्चे ने बताया कि करंट अफेयर्स से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ के जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, आपका सिलेक्शन जल्दी हो। तो चलिए और बच्चों से बात करके देखते हैं कि कैसा रहा आपका एग्जाम। भैया एग्जाम कैसा रहा, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा राजस्थान से, मतलब बहुत दूर। मैं कह रहा हूँ ना बॉयज का सेंटर गर्ल्स का, अभी हमने बात की दो लड़कियों से तो सेल्फ सेंटर है, लेकिन बॉयज का राजस्थान से है। यहां के लड़कों को राजस्थान भेज दिया गया है, बहुत दूर। पहली मुसीबत तो पहली दिक्कत तो यही है कि सबसे ज्यादा दूर सेंटर भेजा है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत करके एग्जाम दिया है, दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन पाना है। तो कैसा रहा एग्जाम भैया? एग्जाम मेरा ठीक था, मतलब तैयारी भी थी उतनी फास्ट तो नहीं थी लेकिन एग्जाम ठीक था। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको चारों में से? मेरे को थोड़ा मैथ का थोड़ा सा लगा। मैथ थोड़ा सा लगा, अच्छा कोई नहीं। और जीके कैसी आई, किस तरीके से क्वेश्चन थे? करंट बहुत ज्यादा था, करंट ज्यादा था। हाँ बिल्कुल। अच्छा पॉलिटी में? पॉलिटी में कम था, मतलब करंट में था, और करंट में खेल से रिलेटेड और जो डांस वगैरह जो होते हैं ना अपने, अच्छा अच्छा, उनसे ज्यादा रिलेटेड था। और कंप्यूटर का कैसे रहा? 10 प्रश्न, मतलब कंप्यूटर खुद में बहुत बड़ी बात है। MS Excel और Word से पूरा है। MS Excel, MS Word, मतलब वही है कंप्यूटर के लिए तो एकमात्र समाधान बता रहा हूँ। जितने भी आने वाली शिफ्ट है MS Excel, MS Word, 365 वाला क्वेश्चन ज्यादातर बन रहा है। हाँ वही बच्चों ने बताया, वही बन रहा है। कम 365 के क्वेश्चन थे, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन थे। जितने सही हो सके उतने ज्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग काफी है, 0.25 भी बहुत हो जाता है। पता लगता है कि जब 40 प्रश्न में से हमारे 40 गलत हो गए नेगेटिव मार्किंग, तो 10 को सही खा जाती है। तो टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए भैया पूरे ऑल ओवर टोटल में? हाँ मैंने 91 करे। 91, बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका। मैं मानता हूँ कि 91 में से अगर 78 से भी ज़्यादा आपका आ जाता है ना, क्योंकि पिछली बार इतना ही कट ऑफ गया था 77-78, इससे ज़्यादा भी आ जाता है। हाँ कोई नहीं, उससे मतलब होना भी चाहिए कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग, तो अटेम्प्ट भी ज़्यादा करने चाहिए हमको इस तरीके से, वही अटेम्प्ट ज़्यादा होने चाहिए। हाँ तो एक एक सुझाव आने वाले बच्चों के लिए जिनका कल को एग्जाम है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे लगता है ना कि हमें क्या और पढ़ के, मुझे ये पढ़ के आना चाहिए था यार। तो जीके में करंट, जीके में करंट फुल पढ़ गया हो, और MS Excel और वर्ड का पूरा पढ़ गया हो, इन दोनों का था ही, और रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं थी, नॉर्मल थी। नॉर्मल बच्चा कर लेगा, अगर सीटीएल वगैरह की तैयारी करता है तो कर लेगा, बिल्कुल आराम से कर लेगा। वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे। अच्छा। और मैथ्स में मेरे लिए थोड़ा टफ था लेकिन मतलब ठीक था, मतलब था। चलो, मतलब यही है कि भैया कंप्यूटर में MS Excel और MS Word पढ़ के जाना है, और करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। तो यही है, जीके एक बहुत भैया 50 नंबर का है, तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन जल्दी हो, राजस्थान से बहुत दूर से आए हो, अगली बार मिलेंगे। हमारा चैनल RG स्टेट एग्जाम है, रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के हमने 4 बच्चों से रिज्यूम आपका इकट्ठा किया कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम में। तो हमने बस यही निष्कर्ष निकाला लास्ट में कि कंप्यूटर से अगर कहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो बन रहा है आपका MS Excel, MS Word, 365, इससे क्वेश्चन बन रहा है। अगर GS में 50 नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके आ रहे हैं करंट अफेयर से और पॉलिटी से। ये हमारे कंक्लूजन यही निकला है कि अगर जो भी बच्चा देख कर जाएगा किसको पॉलिटी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, MS Excel, MS Word इसमें देख के जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ इतना आसान आ रहा है कि हर बच्चा जो कि CGL की या कहीं कहीं ना कहीं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो कर पाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनको आप देख कर जाएं। बाकी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रैंकर्स गुरुकुल परिवार की तरफ से, आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, पेपर अच्छे से दें, बेस्ट ऑफ लक, बस इस बार सिलेक्शन लेकर रहें।